तू देख ले सर शाम संजय सर आइए नमस्कार फोटो हो जाए बाइक पे बैठ जाओ राइट से शुरू लुक गया सर सो गाइस लेट्स हैव द आई थिंक यू गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर माइक 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 बार We'll have the star cast, the main star. Her reaction when she saw the teaser. That I think you should ask her. Yeah. What was your reaction? Can we pass the mic to Divyanka? Yeah. What was your reaction? And we have been watching you on social media. आप bike चलाते हुए काफी दिख रहे हो. तो वो promotional था या विवेक ने आपको सिखाया? आपने उन्हें सिखाया इस movie के लिए? ये भी हम जानना चाहते हैं. So beginning with मेरा reaction teaser के प्रति, I was thrilled. क्योंकि ये जो टीज़र है ये आपकी भावनाओं को जागृत करता है. मैं काफ़ी एडवेंचरस रही हूँ, मेरे अंदर ऐसे कई दबे हुए अरमान हैं और जब मैंने देखा कि इतने किरदार अपने अरमानों को पूरा कर रहे हैं ट्रैवल करके, ऑनेस्टली इस टीज़र को देख के मुझे लगा मैं वहाँ क्यों नहीं थी मैं आप लोगों के साथ लेह लद्दाख में मज़े करते हुए बाइक चलाते हुए. विवेक शर्मा जी क्यों? आई रियली मिस्ड ऑल द फन एंड ऑनेस्टली कमिंग बैक टू द बाइक टॉक, विवेक हिमसेल्फ गॉट इंस्पायर्ड बाय द मूवी एंड उन्होंने एक नई बाइक खरीद ली. उसके बाद में सिंगल सीटर खरीदी. तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, ऐसा पंगा ले सकता है कभी, मैंने लिया. लेकिन इन्होंने लिया. तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में ट्रैवल करते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में बाइक सीख लेती हूं. तो इन्हीं से इंस्पायर होके, आप सब से इंस्पायर होके मैंने भी बाइक सीख ली चलाना और मैंने बाइक खरीद ली और अब हम दोनों साथ में जिंदगी को चला रहे हैं आगे. लाइसेंस बनाए मैम, बिना लाइसेंस भी उड़ा रहे हो. तो सर पोइट्री तो नहीं गाने को कहूंगा, वो बाद में आप गा सकते हैं या कह सकते हैं. लेकिन मैं आपके घर पे बहुत सालों पहले एक बार आया था और जो लोगों को लगता है ना कि ये बंदा जो देसी टाइप के कैरेक्टर्स करता है, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ अलग डिफरेंट छुपा हुआ. एक LP रिकॉर्ड का कलेक्शन आपने मुझे दिखाया था और वो था सारा रॉक म्यूजिक का. और तब आपने मुझे ये भी बताया था कि मुझे बाइक्स एंड ये सब बहुत पसंद है. दैट कूल डूड जो आपने पूरा एक डिफरेंट रूप
यहाँ पे आपको वो ड्रीम पूरा करने का मौका मिला है। तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना फंस चुके थे कि कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता। और मैं ये म्यूजिक लॉन्च मैं सोच रहा था वैसे ही कोई रिकॉर्ड होगा और हम सब खड़े होंगे, लेकिन वापस आ जाए वो दुनिया तो बड़ा मजा आएगा। और क्या पूछना चाह रहा था तू? आपके अंदर जो छुपा हुआ है ये वाला टैलेंट, उन्होंने कहा कि पूरा ये फिल्म एक बहुत अच्छी बात इसलिए गई कि हम अपनी जिंदगी को रोक लेते हैं कि बस 12th पास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नौकरी मिल गई, बीवी बच्चे, फिर उसके बाद आगे की दुनिया, अब टेलीविजन और मैं देखता रहूंगा, रात कट जाएगी। नहीं, इससे थोड़ी ऊपर की जिंदगी है जो कहती है चल जिंदगी। जब तक ऊपर वाले ने सांस दिया है तो एवरी मोमेंट जो लास्ट मोमेंट है, भगवान ना करे बुरा भी होता है लेकिन आपको वो इंजॉय करना चाहिए लाइफ में। ये फिल्म ये बोलती है वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं। एक रुपया दिया है तो पूरा एक रुपया निकालो ना, 75-65 बस भाई साहब हो गया मेरी जिंदगी। तो रिटायरमेंट आप खुद लेते हैं, रिटायरमेंट आपको कहा नहीं जाता है, तो आप रिटायरमेंट लीजिए मत, आगे निकल दीजिए। ऐसा सा ये चल जिंदगी का फीलिंग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने को। हम तो दो दोस्त हैं, जानते हैं एक दूसरे को, बट एक नई दोस्ती बनाने में जरा मजा आता है ना। तो विवेक को हमने एक्सप्लोर किया, विवेक ने हमें एक्सप्लोर किया, कुछ हमें नई बातें बताई। और सॉरी विवान, मैं तुम्हें एक बार मोटरसाइकिल से गिरा दिया था। कोई बात नहीं, चल फिर गिराता हूँ। यस यस, सेकंड लेजेंड। तो सेकंड लेजेंड को वेरी एक्साइटिंग। संजय सर से मैं पहली बार मिला था वर्कशॉप के दौरान, हमने एक वर्कशॉप की थी। एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ऐसा होता है ना, जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग होंगे, कहीं अपनी चलाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे, नॉलेज है भाई हमें, हम एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। बट दिस मैन, मैं इनका फैन उसी दौरान हो गया, पहले घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जैसे जैसे सीन्स पढ़ने शुरू किए। हाँ हाँ विवेक, तू क्या बोल रहा था बता, अच्छा तू कैसा करना चाहता है बता करके दिखा। सो ही इज सो he gives that freedom for the actors to perform and create something, you know, on their own. And then obviously the experience that he has that hand over you, you know, okay, don't worry, if you falter, I'm there for you. So Sanjay bhai is a big brother, and he's maintained that position throughout, whether it was during the workshops, whether it was during the shoot, whether it was afterwards. प्यार बहुत है इनमें, टू गिव अवे टू एवरीवन। चल जिंदगी का चल रहा, संजय मिश्रा का नहीं चल रहा। पर आप, आपका कैरेक्टर तो उस चल जिंदगी में भी वैसा ही है, यू नो, आपका वैसा ही है, तो हमें ज्यादा डिस्कनेक्ट फील नहीं हुआ कि अच्छा यहाँ पे संजय मिश्रा जी का खत्म हो गया, यहाँ पे चल जिंदगी शुरू हो गया। हाँ। I agree with Vivek. Working with these two legends were absolutely amazing. Like Vivek said, you know, Sanjay sir was truly like a chill dude. My biggest like insecurity at that time was like Hindi. So talking in Hindi and like doing the dialogues and everything. But, you know, Vivek sir and Sanjay sir were right there to help me, you know, with my dialogues and everything. So yeah, it was really good. And I got to watch a little bit of scene with these two, so it was really good to, you know, to watch them and a lot to learn from them for sure. क्या बात है, इस फिल्म में एक और बहुत ही बड़े कलाकार है जिन्होंने जिनके बारे में विवान, विवान ये क्या बता क्या रहे थे कि गिर गया था और क्या हुआ, क्या था, कुछ मस्ती की थी? बोलता बहुत अच्छा है यार, है ना? नहीं मस्ती तो नहीं थी, बेसिकली एक सीन था उसमें, है ना, हमें जाना था तो संजय सर ने कहा मैं कर लूंगा। और और है ना सीन खत्म होने वाला था, हम लोगों ने एग्जिट लिया, तो सीन तो परफेक्ट गया, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो वो स्लिप कर गई बाइक, और है ना हम दोनों ही गिर गए थे, और मेरा पैर भी थोड़ा सा जल गया था। बट बहुत लोग सपोर्टिव भी थे, उन्होंने मेरी मतलब लाइफ ही बचा ली एक तरह से, संजय सर ने ही उठाया मेरे को। और या इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक थिंग, बट उस वक्त मतलब लोग
आ गए थे कि भाई अब तो इसको बजाना हो वो सब, बट इट वॉज अ ग्रेट थिंग. मतलब ऐसा लगता है बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस था, था तो सही बट मजा भी आया थोड़ा बहुत. तो किसके फैन किसके हो एक्टिंग वाइज? यस, इरफान खान साहब एंड मनोज बाजपेयी एंड पंकज त्रिपाठी. वाओ सर तो टॉप लिस्ट में है ना, उनके भक्त. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे साथ जो को प्रोड्यूसर्स भी है यहाँ पे, प्रियांक जैन जी सर हैं मेरे को प्रोड्यूसर, वो मेरे पीछे बिल्कुल एक भाई टेंशन नहीं करने का करो, एंड सो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क. बट जो टीजर से जो झलक दिख रही है वो लग रहा है कि यू नो सिक्स स्ट्रेंजर्स जो आपने यहाँ पे बात की है, स्ट्रेंजर्स भी है, बाइक ट्रिप है, रोड जर्नी है, दोस्ती है, कुछ लॉस्ट प्यार भी दिख रहा है इसमें, गाने हैं, बहुत कुछ है, कुछ और क्या है इसमें कुछ बताइए. हम लोग जिंदगी में सबके अपने अरमान होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो हम लोग मिस आउट करते हैं. एक संजय सर की एक पोइट्री है उसमें, तो उसमें कि लाइफ में लाइफ की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो हमसे हमारे ड्रीम्स को लूट लेती हैं. तो ये फिल्म इज अबाउट रीलिविंग योर ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम छूट गए थे उनको आपको दोबारा से कैसे जीना है. वो हमारे सारे कैरेक्टर्स संजय सर, विवेक, शानन, विवान, राकेश पांडे, राम बाबू, ये लोग सब अलग अलग इनकी स्टोरीज हैं, सब स्ट्रेंजर्स हैं, कैसे मिलते हैं और कैसे जर्नी चलती है. Wow, that's so, it's a slice of life movie, and 9 साल के बच्चे से लेके and अब पूरा मतलब 80, 90 years तक के लोग सब देख सकते हैं, and बिल्कुल एक family film है. It's जो genre है वो adventure and drama है. I'm the total. By both the men in my life for this film. It's a lovely sequence which comes at the tail end, आखिर में आता है, and I don't think I should give away the story, no, no. बट संजय एंड आई हम लोग दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जानते हैं एक दूसरे को और पहली बार एक साथ एक्ट कर रहे थे और काफ़ी कुछ था जो हम अपने एक्सपीरियंस और वहाँ से लाए हैं टू द सीक्वेंस. एंड विवेक वॉज वेरी जेनरस, ही अलाउड अस टू ऑल्सो डू थिंग्स इन अ सर्टन वे, बिकॉज अक्सर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर वहाँ पर आपको लगता है कि ये ठीक है लेकिन इससे कुछ और भी हो सकता है. So he was very generous and very open and wonderful and allowed us to really bring something very deep under se. But all said and done, it's a fun film till the end. Wow. So yes, I won't not give away the relationships right now. I want you to see it. Totally agree to that. So let's have the raw. एक बड़ी अलग चीज होती है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं. तो खुश हैं आप? And yes, sir. See the thing is Sanjay and I I sometimes feel a little worried for a generation that is completely dependent on social media to be seen, heard and recognized, because it is a great pressure for one. B, it's a constant looking at yourself all the time and not allowing yourself to grow from the inside. So I think we were very lucky in many ways that we grew up at a time when there was no social media, although I do feel that yes, given that we were raw, we could have actually had a much bigger exposure. So the times change, technology changes, but what also technology does is it also alienates, and you can see that a lot of young people, even before they've decided ki hum kaun sa ped hai, hum aam ka ped hai ya hum pineapple hai ya kya hai, what is my basic, what is my swabhav? Excitement bahut thi. And I was in US when you know, Vivek sir gave me this opportunity to, you know, make a self tape audition for the role of Sana, because Vivek sir ne mere inside like that passion dekha, that you know, that spark dekha, I guess. So yeah, he reached out to me for a self-tape audition, and you know, jab maine unko send kiya, he was very impressed and he thought that, you know, Sana, the role of Sana is the best fit in me. So
I would like to thank him for believing in me. It was like before that, my Hindi was terrible. It still is, but I'm learning kar rahi hoon. And so Vivek sir and Sanjay sir, you know, Vivek, Vikram, they all were absolutely amazing. And then going down to Leh, Ladakh, filming for me was absolutely fun because barely like first time tha. Going to Ladakh, Manali, Chandigarh, Rajasthan, everything was like a first time thing. So I really, really lived my life again at the age of 21. So yeah. Can I just say that? Age group ke hote hai, age group ke. So unko handle karna mushkil hota, but 9 saal ke bacche se leke hai Sanjay sir. Sanjay sir jab on board aagaye the, Sanjay sir jab jaise hi unhone haan kaha, to 50% meri problem to wahi solve ho gayi thi. Fir dheere dheere Meeta ma'am judi. शैनन मेरा दो कैरेक्टर्स थे जो जब मैंने स्क्रिप्ट लिखा था. एक तो शैनन, ये राजस्थान में एक बार एक हॉलीवुड का एक इसका सॉन्ग था, वो शूट करने आई थी एंड शी वाज वेरी शाय, चुपचाप बैठी थी. मैंने कहा पता नहीं कैसे करेगी ये शूट, एंड वो किसी और का प्रोजेक्ट था, बट आई वाज हैंडलिंग द प्रोडक्शन पार्ट. एंड जैसे ही एक्शन हुआ, उसका एक्सप्रेशन देख के, तभी मैंने डिसाइड किया था कि इसके साथ में मुझे एक मूवी करनी है. शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. तो शैनन का किरदार जो है वो मेरे बिल्कुल जो होता है ना, एक साँचा बना हुआ था. सेम संजय मिश्रा जी का, मैं संजय मिश्रा जी सर से मिला, मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाई एंड आई वाज लाइक, मैं नया डायरेक्टर था तो लोगों ने बहुत बोला था कि लोग फिल्म इंडस्ट्री में लोग जो हैं वो नए लोगों को सपोर्ट नहीं करते, बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने सुना और सपोर्ट किया और हाँ बोला मेरे को, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो गई थी. फिर विवेक भाई जुड़े मेरे से, इज यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, जैसा मेरे को कैरेक्टर चाहिए कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं. हाँ. तो वो कैरेक्टर विवेक भाई में बिल्कुल परफेक्ट था. फिर विक्रम जुड़ा, ऐसे करते एक एक करते करते जुड़ते गए. डिफरेंट एज ग्रुप के होने से इनमें एक सारी टीम में एक बहुत मतलब एक जैसे कहते हैं ना, पूरा एक वर्सेटाइल ऑरा क्रिएट हो गया सब में. सो मज़ा आया, सब बहुत अच्छे से सब ने एज अ फैमिली काम किया. एंड मीता मैम ऑफकोर्स, इनका संजय सर का जब सीन था तो मैं, ये सीन चल रहा है उनका, इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है, हरेक का सपना होता है देखने का. मेरे चरित्र को भी ऐसा एक दिया गया कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो बिल्कुल ही कुछ नहीं, वो आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है. लेट्स तो बढ़ो आगे, और जब आगे बढ़ते रहते हैं आप लाइफ में देखना, नोटिस करना, आपके दोस्त जो बनते हैं ना वो आपकी सोच से बनते हैं. कई लोगों के दोस्त बड़े लफंगे होते हैं क्योंकि उसके अंदर लफंग गई है. आप देखेंगे पिक्चर में. तो मतलब जो आपकी दोस्ती होती है, जो आपकी बॉन्डिंग होती है लाइफ में, मिल ही जाते हैं वैसे लोग कहीं ना कहीं. खुश हैं आप? हेलो, मैं ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि विवेक एक बहुत ही बेहतरीन और कमिटेड आर्टिस्ट है और उसे स्क्रीन पे देखने में हमेशा ही मज़ा आता है. एंड आई हैव नोन हिम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, तो आई एम 100% श्योर जो ये मूवी है चल जिंदगी, आप लोग को देख के बहुत मज़ा आएगा. एंड ही इज़ अ बाइकर बाई नेचर ऑल्सो, एंड इनफैक्ट वो इतने इंटरेस्टेड है बाइकिंग में कि उन्होंने दिव्यांका को भी एक बाइक दिला दी है. और मैं खुद उनके साथ एक बार टाउन तक गया हूँ जहाँ दोनों बाइकिंग कर रहे थे और मैं पीछे गाड़ी में जा रहा था, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी गुड बाइकर. सो फॉर विवेक, फॉर हिज बाइक्स, फॉर द लव ऑफ म्यूजिक, यू मस्ट वॉच द फिल्म. बिल्कुल भी नहीं किया है आज तक, तो मेरे को विजुअल भी नहीं दिखाया, पूरी तरह सरप्राइज है. वेल, मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स अ टीम ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल. संजय सर, मीता मैम, विवेक, यू गाइस मस्ट सी द फिल्म फॉर दीज थ्री एंड द म्यूजिक एंड द वादियाँ ऑफ ले एंड द बाइकिंग. सो यस, गो आउट, हैव फन, वॉच द मूवी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू यू नो फाइनली दिन डे आ गया है. वी आर रिलीजिंग चल जिंदगी वेरी सून एंड माई एक्सपीरियंस ओवरऑल हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई हैव हैड अ ग्रेट कास्ट ऑफ यू नो अमेजिंग टैलेंटेड एक्टर्स राइट फ्रॉम संजय मिश्रा टू विवेक दहिया, Vivan Sharma and Vikram. So it has just been absolutely amazing and I cannot wait for everybody to watch the movie. Also, did you get any tips from your dad? You can tell us about that only. Have you discussed with him that I'm doing this film? No, actually, ye movie jab main film kari thi to, you know, dad ko bilkul
पता नहीं था एंड या ही वॉज अनअवेयर ऑफ यू नो दैट आई वॉज फिल्मिंग एंड लेटर ऑन मैंने उनको बताया दैट हे डैड आई एम यू नो आई वर्क इन अ मूवी एंड इट्स गोना कम आउट सो आई होप यू लाइक इट एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज ही वॉज रियली शॉक्ड बिकॉज मैं यू नो यूजुअली सिंग करती हूँ and you know going into acting was I guess a shock for him as well but ha unne believe kiya and he was like I hope tumne acha acting kiya so I was like yeah I hope so too Vivan kya kehna chahenge aapka experience kaisa raha with the whole cast and you can tell us about Shannon how was your experience working with Shannon एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक रहा सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया संजय मिश्रा सर मीता वशिष्ठ मैम ऑफकोर्स मैंने विवेक दिया के साथ भी काम किया एंड देन शैनन दी इट वाज एक्सप्लिसिट वर्किंग विद हर वो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और ऐसी टिप्स देती है जो शायद मैं मतलब मेरे डैड भी ना दे पाए मतलब वो बहुत अच्छी ह्यूमन बींग है जितना मैंने उनको समझा और एक बहुत सपोर्टिव ह्यूमन बींग भी है बस चलते रहो कहीं भी है ना स्टॉप नहीं लगाना जिंदगी बस अब रुक जाए रेड लाइट नहीं होनी चाहिए जिंदगी में रेड लाइट वहीं ठीक है रोड पे यहाँ अगर जिंदगी में रेड लाइट आ गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं है चलती रहनी चाहिए हमेशा जिंदगी तो चल जिंदगी एज एन एक्टर बहुत कुछ लर्न करने को मिला ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ मूवी मेकिंग ऑब्वियसली संजय मिश्रा वी ऑल नो ही इज सच अ ग्रेट ग्रेट एक्टर उन्हें यू नो थिएटर से स्टार्ट किया एंड देन यू नो मूवीज़ में आए तो एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिला फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो एक्टर को कैसे डायलॉग्स डिलीवर करना चाहिए एंड इम्प्रोव यू नो and just the whole basic you know like technique of acting and everything so bahut acha tha it was a really nice experience working with all these people it was very supportive as well